नमस्कार दोस्तों, तो स्नैपड्रैगन 888 प्लस कल रात को लॉन्च हो चुका है और मैंने ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ स्नैपड्रैगन 888 के कंपैरिजन वीडियो बना दिया है, आई बटन में देख सकते हैं। और आप में से लगभग सभी लोगों ने मुझे ये चीज़ कहा है कि ये जो नया वाला स्नैपड्रैगन 888 प्लस लॉन्च हुआ है, इसके साथ एप्पल A14 का कंपैरिजन करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एप्पल का सबसे पावरफुल प्रोसेसर मोबाइल के लिए, जो कि एप्पल A14, क्या वो पावरफुल है या फिर जो अभी लॉन्च हुआ स्नैपड्रैगन 888 प्लस वो पावरफुल है, इस वीडियो में ये चीज़ के बारे में जानेंगे। और हाँ, एक चीज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, आप में से बहुत लोग कहेंगे कि एंड्रॉयड और iOS के जो हार्डवेयर, उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये चीज़ मैं मानता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ हार्डवेयर रिलेटेड कंपैरिजन ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। तो दोनों प्रोसेसर का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का रिलीज डेट को लेके। ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस पिछले दिन रात को लॉन्च हुआ है, मतलब Q3 2021 पे लॉन्च हुआ है, और ये जो एप्पल A14 बायोनिक, ये लॉन्च हुआ था Q3 2020 पे, मतलब एग्जैक्टली एक साल पहले लॉन्च हुआ था। अगर दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें, दोनों ही प्रोसेसर 64-bit आर्किटेक्चर पे बना है। ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस, इसमें हमें मिलता है ऑक्टाकोर सीपीयू। ये जो एप्पल A14 बायोनिक, इसमें हमें मिलता है हेक्साकोर सीपीयू। हेक्साकोर मतलब 6-कोर सीपीयू। स्नैपड्रैगन 888 प्लस में हमें जो कोर स्ट्रक्चर वो मिलता है 1+3+4 कोर स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक हाई परफॉर्मेंस कोर, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर और 4 लो परफॉर्मेंस कोर हमें देखने को मिलता है। अगर एप्पल की बारे में बात करें, उसमें हमें 2 हाई परफॉर्मेंस कोर और 4 लो परफॉर्मेंस कोर हमें देखने को मिलता है। अगर दोनों के सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, तो ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस और एप्पल A14 दोनों ही प्रोसेसर 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बनाए। एप्पल का जो 5 नैनोमीटर वो दरअसल TSMC कंपनी ने बनाया और स्नैपड्रैगन का जो 5 नैनोमीटर वो बनाए सैमसंग ने। इसके बाद अगर हम दोनों के कोर कॉन्फिगुरेशन के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 888 में आपको मिलेगा एक हाई परफॉर्मेंस कोर्टेक्स X1 कोर जिसका स्पीड है 2.99 GHz, 3 मीडियम परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A78 कोर जिसका स्पीड है 2.42 GHz और 4 लो परफॉर्मेंस कोर्टेक्स A55 कोर जिसका स्पीड है 1.84 GHz। और एप्पल A14 में आपको मिलेगा 2 हाई परफॉर्मेंस कोर जिसका मॉडल नंबर है फायरस्टॉर्म। अब ये जो फायरस्टॉर्म, ये ARM के कौन से कोर के ऊपर बेस्ड है, A77, A78 या फिर कोर्टेक्स X1, इसके बारे में कोई कन्फर्म इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसका स्पीड है 2.99 GHz और बिल्कुल सेम एप्पल जो लो परफॉर्मेंस 4 iStorm सीरीज का कोर इस्तेमाल करता है, वो दरअसल कोर्टेक्स के कौन सी सीरीज का कोर है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कोर्टेक्स A55 बेस्ड ही कोर होगा और इसका स्पीड है 1.82 GHz। इसके बाद अगर हम दोनों के रैम के बारे में बात करें, तो स्नैपड्रैगन 888 प्लस और एप्पल A14 दोनों पे आपको क्वाड चैनल रैम का सपोर्ट मिलेगा। स्नैपड्रैगन पे आपको मिलेगा LPDDR5 रैम का सपोर्ट, एप्पल पे आपको मिलेगा LPDDR4X क्वालिटी का रैम का सपोर्ट। स्नैपड्रैगन में रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 3200 MHz, एप्पल पे रैम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2133 MHz। स्नैपड्रैगन पे हमें मैक्सिमम 16 GB तक का रैम का सपोर्ट मिलेगा, एप्पल में हमें मैक्सिमम 6 GB तक का रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में। स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 3.1 तक का स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एप्पल A14 बायोनिक में किस टाइप का मेमोरी का सपोर्ट है इसके बारे में एप्पल की तरफ से कोई कन्फर्म इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन जितना मैंने सुना है कि एप्पल अपने फोन में थोड़ा सा अलग क्वालिटी का इंटरनल स्टोरेज इस्तेमाल करता है, जो कि हम जो एंड्रॉइड में देखते उससे बिल्कुल अलग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के कैमरे के बारे में। स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको सिंगल कैमरे में 200 MP तक, डुअल कैमरे में 64 और 25 MP तक और ट्रिपल कैमरे में आपको 28 MP तक का सपोर्ट मिलेगा। और एप्पल A14 में आपको सिंगल कैमरा में 12 MP और डुअल कैमरा में 12.5 MP तक का सपोर्ट मिलेगा। और जितना मुझे लग रहा है एप्पल A14 में आपको डुअल ISP का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको ट्रिपल 14-bit ISP का फीचर मिलेगा। तो इसका मतलब कैमरा हार्डवेयर के हिसाब से स्नैपड्रैगन 888 प्लस और भी ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू एप्पल A14। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के वीडियो कैप्चर के बारे में। स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको 8K वीडियो 30 FPS पे, 4K वीडियो 120 FPS पे, फुल HD वीडियो 240 FPS पे और 720p स्लो मोशन वीडियो 960 FPS में रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा, लेकिन एप्पल A14 में आपको 4K वीडियो 60 FPS, फुल HD वीडियो भी 60 FPS और स्लो मोशन वीडियो 240 FPS पे रिकॉर्डिंग का फीचर मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में। इधर दोनों प्रोसेसर में मैक्सिमम 4K तक का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा। स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको 4K क्वालिटी में 60Hz,
क्वाड एचडी प्लस क्वालिटी में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन एपल A14 में जो 4K का कितना हर्ज है इसके बारे में कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं। और ये जो एपल A14 चिप ये दरअसल 60Hz से ज्यादा रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करता। और स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको HDR 10 प्लस कंटेंट का सपोर्ट मिलेगा, एपल A14 में आपको सिर्फ HDR कंटेंट का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क सपोर्ट के बारे में, और इस मामले में दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। पहला तो स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको लेटेस्ट X60 5G मॉडल मिलेगा, एपल A14 में आपको थोड़ा सा पुराना X55 5G मॉडल मिलेगा। वैसे इधर दोनों में ही जो 5G का डाउनलोड और अपलोड स्पीड 7.5 Gbps और 3 Gbps, लेकिन जो पावर एफिशिएंसी उस मामले में स्नैपड्रैगन 888 प्लस थोड़ा सा बेटर है। स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको वाईफाई 6E का फीचर मिलेगा, A14 में आपको वाईफाई 6 का फीचर मिलेगा। स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको ट्राई बैंड वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा, एपल A14 में आपको डुअल बैंड वाईफाई का ऑप्शन मिलेगा। और अगर ब्लूटूथ के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलेगा, एपल A14 में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोनों प्रोसेसर का सबसे मेन चीज़ जो कि ग्राफिक्स कार्ड। ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 660 ग्राफिक्स कार्ड जिसका फ्रीक्वेंसी है 840 MHz। लेकिन ये जो एपल A14 बायोनिक इसमें दरअसल एपल का खुद का डेवलप किया गया GPU इस्तेमाल होता है, जिसका क्या नाम है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या कोर है इसके बारे में कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के ग्राफिक्स कार्ड स्कोर के बारे में। तो स्नैपड्रैगन 888 प्लस का जो ग्राफिक्स कार्ड उसका स्कोर है 350,000 से थोड़ा सा ज्यादा, और ये जो एपल A14 इसका ग्राफिक्स कार्ड में स्कोर है 257,000 से थोड़ा सा ज्यादा। तो मतलब देख सकते हैं कि ऑन पेपर ये जो स्नैपड्रैगन 888 प्लस इसका ग्राफिक्स पावर ऑब्वियसली बेटर है एपल A14 के मुकाबले। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के अनटूटू स्कोर के बारे में। तो स्नैपड्रैगन 888 प्लस का अनटूटू वर्षन 8 में स्कोर है 880,000 के आसपास, और एपल A14 का अनटूटू वर्षन 8 में स्कोर है 638,000 के आसपास। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों प्रोसेसर का गीगबेंच स्कोर। स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको सिंगल कोर में स्कोर मिलेगा 1200 से थोड़ा सा ज्यादा, और मल्टीकोर में स्कोर मिलेगा 3600 के आसपास। और एपल A14 का सिंगल कोर में परफॉर्मेंस है 1500 से थोड़ा सा ज्यादा, और मल्टीकोर में परफॉर्मेंस है लगभग 4200 के आसपास। तो इस जगह आप देख सकते हैं थियोटिकली स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको बेटर जनरेशन प्रोसेसर कोर मिलेगा, लेकिन क्योंकि एपल A14 का ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेटर है, तो यही रीजन की वजह से सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही एपल A14 बहुत ज्यादा स्कोर करता है स्नैपड्रैगन 888 प्लस के मुकाबले। और इसके बाद अगर हम फाइनली दोनों के AI चिप के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 888 प्लस में आपको मिलेगा हेक्सागन 780 चिप, और ये जो एपल A14 इसमें आपको मिलेगा 16 कोर न्यूरल इंजिन। अगर रियल वर्ल्ड AI स्पीड के बारे में बात करें, स्नैपड्रैगन 888 प्लस का AI में स्पीड है 32 TOPS, TOPS मतलब ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड, और एपल A14 का स्कोर है 11 TOPS, मतलब 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो इस जगह आप देख सकते हैं अगर हम AI स्कोर की बारे में बात करें, इस मामले में स्नैपड्रैगन 888 एक्जैक्टली 3 गुना पावरफुल है कंपेयर टू एपल A14। तो आप बारी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो थियोरेटिकली मतलब ऑन पेपर कौन सा सबसे पावरफुल है, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 888 प्लस ऑन पेपर ऑब्वियसली बेटर है एपल A14 के मुकाबले, क्योंकि इसमें आपको मिलता है ऑक्टाकोर CPU, LPDDR5 RAM का सपोर्ट, बेटर क्वालिटी ISP इसके कारण, ज्यादा कैमरे का सपोर्ट है, ज्यादा 8K 4K फुल एचडी और स्लो मोशन में भी FPS का सपोर्ट मिलेगा, बेटर क्वालिटी डिस्प्ले और 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, और ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी नेटवर्क सपोर्ट मिलेगा जैसे कि ब्लूटूथ 5.2, ट्राइबैंड वाईफाई, वाईफाई 6E और बेटर जनरेशन 5G मॉडल। लेकिन एपल A14 में ऑन पेपर आपको कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड एडवांटेज नहीं मिलता कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 888 प्लस। लेकिन एपल A14 का जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो दरअसल इसका कमाल का ऑप्टिमाइजेशन, और यही रीजन की वजह से अगर आप एकदम गैलेक्सी S21 के जो 4K 120fps के वीडियोग्राफी को अगर आप कंपेयर करेंगे एपल A14 वाले कोई भी स्मार्टफोन के 4K 60fps वाले वीडियो के साथ, एपल का 4K 60fps वीडियो ये बेटर परफॉर्म करेगा एंड्रॉइड के 4K 120fps वीडियो के मुकाबले। अगर PUBG गेम प्ले के बारे में बात करें, हो सकता है कि क्वालकॉम बेटर जनरेशन ग्राफिक्स कार्ड प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी एपल A14 के वन से जब हम PUBG जैसे गेम खेलेंगे तो उसका FPS एकदम स्टेबल रहता है, जो कि एंड्रॉइड आपको मतलब क्वालकॉम आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता। और यही रीजन की वजह से दुनिया के सभी जो प्रोफेशनल गेमर वो इस्तेमाल करता है आइदर एपल का कोई स्मार्टफोन या फिर एपल का टैबलेट। तो मतलब वीडियो के आखिर में मैं यही चीज कहना चाहूंगा, ऑन पेपर मतलब थियोरेटिकली स्नैपड्रैगन 888 प्लस एपल A14 के मुकाबले एटलीस्ट 1.5 गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सिर्फ कमाल के सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की मदद से एपल A14 स्नैपड्रैगन 888 प्लस को बीट कर देता है हर एक मामले में। तो आज का वीडियो तक उम्मीद आज के छोटा सा कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। वैसे इसके बाद आप स्नैपड्रैगन 888 प्लस के साथ या फिर कोई भी प्रोसेसर के साथ कोई दूसरे प्रोसेसर का अगर कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बना दूंगा।
तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।